10 मार्च को देश भर में रेल रोको आंदोलन, 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे किसान, पंजाब हरियाणा के शंभू करनौरी बॉर्डर पर किसानों ने किया बड़ा ऐलान। अगली सरकार के एजेंडे की तैयारी में अभी से जुटे पीएम मोदी, मंत्रियों को गैर जरूरी बयानबाजी और डीप फेक से बचने की दी सलाह। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार, कैसे 400 पार होती है देखते हैं उद्धव ठाकरे का चैलेंज। कल्याण से तलोजा मेट्रो मार्ग 12 परियोजना का काम शुरू, थाने नवी मुंबई के नागरिकों को भी होगा फायदा। बांद्रा फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड बाइक चलाते नजर आए मुंबई ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी ने बीजेपी को 2000 का किया दान, सभी से विकसित भारत में योगदान देने का आग्रह किया। मलाड से सामने आया घोटाला, एटीएम से पैसे निकालने में मदद के बहाने चोर बदल देते हैं एटीएम कार्ड, पुलिस कर रही है जांच। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 दिन में 15 किलो सोना जब्त, सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई। वर्ली में आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका, ठाकरे समूह के कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। मोदी के जुमले का नाम गारंटी रख दिया है, और पैसा खाओ और भाजपा में आओ, ये मोदी की गारंटी, उद्धव ठाकरे का हमला। महायुति में अजीत गुट के एनसीपी ने 10 सीटों पर किया दावा, छगन भुजबल ने दी जानकारी। मुंबई से शिरडी का सफर केवल 1 घंटे में, कल समृद्धि राजमार्ग के तीसरे चरण का किया जाएगा उद्घाटन। फेरी वालों को अंडरग्राउंड मार्केट में किया जाएगा शिफ्ट, बीएम से निधि जानकारी। 48 में से जीतेंगे 45 सीट, सीएम शिंदे ने महायुति गठबंधन को लेकर किया दावा। भ्रष्टाचारियों का नाम लेकिन नितिन गडकरी को जगह नहीं, बीजेपी की उम्मीदवार सूची पर उद्धव ठाकरे की आलोचना। विस्तारा इंडिगो विमान पर लगा लेट मार्क, पीक आवर के दौरान उड़ान कम होने के बावजूद 1 घंटे की देरी। मोदी समुद्र में तैरने जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं, उद्धव ठाकरे का जोरदार हमला। पुणे में राज ठाकरे की बैठक में देरी से पहुंचे पदाधिकारी, बिना बैठक लिए गुस्से में मुंबई के लिए रवाना हुए मनसे प्रमुख। महाराष्ट्र में 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी, 18 सीटों पर एनसीपी और शिवसेना उतारेगी प्रत्याशी। जयंत पाटिल और जितेंद्र नावार ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, बैठक में सोलापुर और सांगली लोकसभा सीट को लेकर चर्चा होने की जानकारी।